अगर मेरे साथ कल को मैं वहां पे पड़ी रहूं, मेरे मेरे पास शरीर पे कपड़े नहीं रहे, तो इसका कोई अगर जवाब दे ही तो होगा तो ये टीटी होगा। अनमिया नाम का इंसान है, हमको गंदी नज़र से देखता है, हमको जाते आते हमको आंख मारता है, तो ये गंदा गंदा वर्ड बोलता रहता है। अपना जो एक जेंट्स का जो एक कानून आपके साथ प्रशासन नहीं सुन रही है, प्रशासन अगर ठीक होता तो हम जाते हैं तो आदमी को हमारा पीछा करवाते हैं। मैं घुस के आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। जी जी, इसलिए मुझे बहुत डर है, मुझे इंसाफ चाहिए, कोर्ट से इंसाफ चाहिए। अरे किसी के साथ फंसा देता है, अरे किसी के साथ फंसा देता है, कोई मेरा फंसा देता है कोई। हमको सिर्फ मतलब एक हवस भरी नजरों से इस गांव का आदमी सब देखता है। आपने अंजलि और कुंदन के हाजीपुर लव स्टोरी से वाकिफ होंगे। आज अंजलि अकेले अलग थलग पड़ चुकी है और इसको इसके गांव वाले ही जिस घर में रहती है वहीं पर दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया जा रहा है। डायरेक्ट अंजलि से जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या पहले अंजलि, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? मुझे एकदम से प्रताड़ित किया जाता है गांव के द्वारे। ये शिवशंकर साह हो गया, टीटी हो गया, इसके द्वारे हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। क्या प्रताड़ित, किस तरह से परेशान? हम जाते हैं तो आदमी को हमारा पीछा करवाते हैं, उससे गंदी गंदी मतलब इशारे करते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं, बोल के बाइक स्पीड करके चले जाते हैं, यही सब करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? जब आप बाहर जाते हैं तो कौन लोग हैं जो आपका पीछा करते हैं, आपको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं? ये शिवशंकर साह है और लक्ष्मी साह है, उसका भाई भोला साह है, और ये जगदेव साह है, जगदेव साह का बेटा। अच्छा, भोला साह। ये लोग कौन है आपके? ये सब गांव के ही आदमी है। गांव के आदमी है जी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं जो या तो मैं भाग जाऊं, मुझे भगाना चाहते हैं। मेरा सास ससुर को भगाए हुए है क्योंकि वो मेरी सुने नहीं और मुझे रखे नहीं। मेरे सास ससुर को भगा के यही लोग रखवाए हैं बाहर। कहाँ भगा दिए हैं, पता है आपको? नहीं पता है, डेट पड़ता है कोर्ट में तो डेट पे आते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं हमको कुछ नहीं पता। हम इतना टाइम से इस घर में अकेले रह रहे हैं, हमको सिर्फ मतलब एक हवस भरी नज़रों से इस गांव का आदमी सब देखता है, गंदे गंदे इशारा करता है। मुझे ये इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, अगर मैं मुझे कुछ होता है, अगर मेरे साथ कल को मैं वहाँ पर पड़ी रहूँ, मेरे साथ रेप हुआ, मेरे पास शरीर पे कपड़े नहीं रहे, तो इसका कोई अगर जवाब दे ही तो होगा तो ये टीटी होगा। उसका नाम असली जगदेव साह है, और शिवशंकर और लक्ष्मी साह और भोला साह उसका पिता जगदेव। अभी आप रो रही हैं, परेशान हैं, कह रही हैं कि मेरे साथ रेप भी हो सकता है, ये सब तमाम आपको डर है, ऐसा आपको लग क्यों रहा है? क्या ऐसी आपके साथ पीछे घटनाएँ हुई कि आप डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं? अरे किसी के साथ फंसा देता है, अरे किसी के साथ फंसा देता है, कोई मेरा फंसा देता है, कोई मेरा मतलब ससुर की उम्र के, दादा की उम्र के होंगे, जो इतना छोटा बच्चा है, कोई दो लिट्टी ला के उसको दे देता है, उसके घर पे 20 आदमी से पंचायती बैठाता है, जो मेरा मैटर है, हम मिल बांट के खाएंगे उसको, हम मैं क्या कोई सामान हूँ क्या मुझे मिल बांट के खाएगा? वो आदमी हमको बताता है, जो आदमी मेरा बच्चा को दो लिट्टी दिया, उसके घर पे 20 आदमी से पंचायती किया, वो आदमी हमको बताया। जो मेरा मैटर है, मेरा हिंदू का मैटर है, तुम मुसलमान हो गए, तुम दो लिट्टी उस बच्चा को क्यों देते हो? हम उसको मिल बांट के खाएंगे, क्या मैं कोई सामान हूँ जो कोई मुझे मिल बांट के खाने का मतलब क्या है? आप रोइए मत, प्रशासन आपका साथ देगी, लगातार कानून आपके साथ है। प्रशासन नहीं सुन रही है, प्रशासन अगर ठीक होता तो मेरे साथ ये 2-1.5 साल से जो हो रहा है सो नहीं होता। प्रशासन को पैसे दे देते हैं, 2 दिन के लिए कस्टडी में मुझे भेज दिया जाता है पातेपुर थाना में, और उसमें बोला जाता है तुम सबको बहुत जेल भेजती हो ना, अब तुम्हारी बारी, नहीं तो तुमको ठीक होना है, रहना है, तुम अपना बच्चा को लेके बहुत दूर चली जाओ। मैं कैसे चली जाऊँ? कौन बोलता है ये शब्द? पातेपुर के बड़ा बाबू बोलते हैं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। अच्छा, आप 1.5 साल से इस घर में हैं और इसके जो आपके ससुर हैं, आपका जो पति है जिससे आप प्यार किए थे, वो जेल में हैं और ससुर और सास घर छोड़ कर भाग चुके हैं। 1.5 साल से आपका रहन सहन भरण पोषण किसे हो रहा है? मेरी मम्मी मदद करती है, कभी 1,000, कभी 500, कभी 2,000, ऐसे जैसे जितना बन पाता। मेरा भाई नहीं है, मेरी मम्मी मदद करती है, कभी कभी मुझे भूखे सोना पड़ता है क्योंकि मम्मी मेरी मदद करती है, उतना तो मुझे भाड़ा और कोर्ट कचहरी में चला जाता है, मैं घर में क्या करूं?
कहाँ से कुछ करो, घर में रुके सुखे भी खाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, रुके सुखे खाने के लिए भी चावल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मैं कभी कभी पानी पी पी के रह जाती हूँ, कभी कभी लाल चाय चीनी ला के काली चाय बना के पी के सो जाती हूँ, ऐसा नौबत आता है। ऐसे में अगर मैं मरती हूँ चाहे कुछ भी होता तो ये टीटी जगदेव सा और लक्ष्मी सा जवाबदेही होगा, क्योंकि आए दिन मेरे इज्जत पे वार करवाते हैं। गांव में पंचायती बैठा है सर, पंचायती गांव में बैठा है, बोले कि आज तुम अपना सास ससुर को निकालो, यही टीटी दीप नारायण चौधरी और लक्ष्मी सा उसका भाई भोला सा और ये जगदेव सा उसका बेटा भोला सा सब मिलके सरपंच पंचायती बैठाया, बोला तो अपना सास को निकाल लो, लड़का जरूर रखेगा, तुम बहू बन के दिखाओ ना। वो 1.5 साल में 2 साल में ये सरपंच हमको बार बार बोल रहा, तुम बहू बन के दिखाओ ना, तुम 4 रोज हमको बहू बन के दिखा दो। अभी तो 2 साल हो गए, 4 रोज नहीं हुआ, हमको आए दिन फुसला के हमसे काम करवा लिया जाता है, बोल रहा तुम अपना सास को निकालो, तुम्हारा सास को बेल नहीं होता, लड़का रखेगा, हम पूरा रिस्क लेते हैं। अब लड़का क्या कह रहा है, क्योंकि लड़का को तो जेल हो चुका है, फैसले भी कोर्ट आपके हक में बता रही है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं आपके हक में बात कर रहा है, आपने धरना दिया था एसपी चौक पे, तो एसपी सर ने आपकी बातें सुनी थी। हाँ, धरना दिए थे तो एसपी सर मेरी बातें सुने थे, एसपी सर को काफ़ी ज़्यादा मैं आवेदन लिख के देती थी, बहुत ज़्यादा एसपी सर के पास मैं जाती थी, लेकिन प्रशासन मेरी कभी नहीं सुनी। अगर एसपी सर नए वाले एसपी सर है वो बहुत अच्छे हैं, एसपी सर यहाँ फ़ोन किए तो उसके कारण उसको धमकी देना पड़ा, जो बहुत हो गया तुम आओ और तुम सिलेंडर कर दो, तो सिलेंडर कर दिया, उसको एक्सेप्ट कभी मत करना, जेल में रह लेना, ये थाना का कहना है। थाना हमको बोलता क्यों रखेगा तुमको, तुम उस घर के आदमी को तुम भगाए हो, थाना हम को हमसे बड़ा बाबू को क्या निजी दुश्मनी है, बोल रहा है पहले ससुराल था जहाँ थी सबको जेल में भेजती है, हम जेल में भेजे या नहीं भेजे ये बड़ा बाबू देखने गए, तो बड़ा बाबू सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं जो एक मतलब क्रिमिनल है, जो एक गलत आदमी है उसको फेवर में बोलते हैं। मतलब बड़ा बाबू देखिए आप रोइए मत, अच्छा ये बताइए कि आप आज हम लोगों को यहाँ बुलाई हैं और आप ये बता रही हैं कि जिस तरह से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, किसी का रेप हो जा रहा है, चलती लड़कियों को छेड़ दिया जा रहा है, वो इस गांव में आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी कौन सी घटना हुई जो आपको इस बात का डर लगा? मेरे साथ घटना हुआ, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, मेरे सर पे मारा गया, मेरे पैरों को घायल किया गया, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ मेरे साथ कुछ मैं करने नहीं दी, ये ईंटा को मैं गिराई मेरे साथ घर में घुस के, फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन आई जांच पड़ताल करके चली गई, अब कौन आदमी था उसका मैंने नाम भी बता दिया, कहीं ना कहीं वो पैसा वाला है, इसलिए प्रशासन कोई एक्शन नहीं ली। मतलब कि आपके साथ घर में घुस के आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई? जी जी, इसलिए मुझे बहुत डर है, मुझे इंसाफ चाहिए, कोर्ट से इंसाफ चाहिए, एसपी सर से बड़े जो भी है अधिकारी है उनसे हमको इंसाफ चाहिए। मेरे पैर, मुझे दांत काटा गया, क्या नहीं किया जिससे मैं उसके आगे मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ दांत वो तो सब मेरे पास फ़ोटो मैंने खींच के रखा है, सारी फ़ोटो मैं आपको दूंगी, आप वीडियो पे चलाइए, फिर भी प्रशासन उनको नहीं कुछ कर रहे, क्योंकि वो इंसान पैसा प्रशासन को, प्रशासन जितना मांगते हैं उतना वो पैसा देते हैं। मैं इसलिए ही ऐसा कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन मैं केस लड़ रही हूँ, मैं पीड़िता हूँ, लेकिन 2 दिन थाना में मुझे बंद करके रखा गया पैसे के ऊपर। एक नज़र आप इधर फेरिए, देखिए आपको ये जो दिख रहा है घर, अगर यहाँ से कुंडी बंद हो जाता है तो यहाँ से लोग, कोई अननोन पर्सन अंदर जाता है और इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोचिए कि ये अपने पति को छोड़ एक प्रेमी के साथ घर बसाने के लिए आती हैं और प्रेमी धोखा देता है। आज प्रेमी 6 महीने से जेल में है, सास ससुर इस घर को छोड़ चुके हैं, ये महिला अकेले इस घर में रहती है, और जो गांव के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, जिस गांव के लोगों को समर्थन देना चाहिए था, बेटी बहन समझना चाहिए था, वो गाँव के लोग इस महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ इसके साथ रेप जैसे घटनाएँ का अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस महिला का आरोप है। वैसे प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो जल्द से जल्द उन तमाम लोगों पर एक्शन ले जो महिला बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इन लोगों ने काम करने की कोशिश किया है, और इसको सिक्योरिटी के भी सुविधा दिया जाए, क्योंकि ये महिला बताती है कि मुझे यहाँ से निकलना, यहाँ से बाहर जाना, 1.5 किलोमीटर के अंदर मेरे साथ घटनाएं हो सकती हैं और इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो पुलिस प्रशासन ही होगा। ये देखिए आप हमको फोटो भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे। क्या क्या कहिएगा, मजबूर करने का पूरा कोशिश की है, मेरे पैरों का तस्वीर है, ये देखिए आप क्या कुछ यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे अपील करना चाहिएगा, क्या कुछ कहिएगा? हम यही चाहते हैं जो इनको जल्द से जल्द
इनको जेल किया जाए क्योंकि हम सेफ नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो उसको दबाने की कोशिश किया जाता है मुखिया सरपंच को लेके, उसके बाद थाना को लेके। लेकिन कल को मेरा भी लहास मिलेगा, मेरे साथ भी रेप हो जाएगा, ये लोग दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अभी मैं जिंदा हूँ तो मुझे इंसाफ दिया जाए। जो एक मुसलमान होकर मेरा बच्चा को 2 लिट्टी दे देता है, उसके ऊपर पंचायती ये लोग बैठाते तरस खा के। मेरा दादा का उम्र का है, एक चांद मियाँ है वो भी मुसलमान है, मेरे खिलाफ इतना बोलता मेरे उन लोग के सपोर्ट में हमको इतना बोलता। जब वो मुसलमान हो के हिंदू का मैटर में नहीं पढ़ सकता है तो वो चांद मियाँ क्यों पढ़ सकता है। एक चांद मियाँ नाम का इंसान है, हमको गंदी नज़र से देखता है, हमको जाते आते हमको आँख मारता है, तो ये गंदा गंदा वर्ड बोलता रहता है अपना। जो एक जेंट्स का जो एक वो होता है, जो भी बात होता है, जो मतलब शरीर के अंदर जो बनावट होता है, उस चीज़ का बार बार हमको तो बोलते शर्म आता है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। अपना बार बार वही सब गंदा गंदा वर्ड बोल के जाता है, बाइक रोक के इशारा करता है, इशारा करता है। देखिए प्रशासन से ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इस महिला के सिक्योरिटी का भी प्रबंध कराया जाए। महिला अकेले है और गाँव के लोग कहीं ना कहीं इसको गलत निगाह से देख रहे हैं, इसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश हो चुका है, और ऐसी एक और घटना है जो मुजफ्फरपुर में हुआ है, इस महिला के साथ ना हो जाए। प्रशासन से खासकर अपील रहेगा, यहाँ के एसपी साहब से अपील रहेगा। वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारा था काम सच्चाई को दिखाना, हमने दिखाया है, आगे आपका काम है, वीडियो को शेयर कीजिए।